आज हम लोग मेडिक्लेम वर्सेज आरजीएचएस एंड राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो लागू की गई है उसमें जब से प्रीमियम भुगतान की बात शुरू हुई है तब से सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि हम मेडिक्लेम जो पुरानी योजना चल रही है उसको रखें या आरजीएसएस जो नई योजना आई है इसको रखें। अपने सामने 1/1/2004 के बाद जो भी नियुक्त कार्मिक है उन सभी के सामने दो ऑप्शन है, या तो वो आरजीएसएस के तहत रजिस्ट्रेशन रखें तो उनको है वो इसके पॉलिसी के तहत है वो अपना है वो प्रीमियम जमा करवाना होगा प्रति माह पेमेंट से, और मेडिक्लेम के तहत रहें तो बिना प्रीमियम के अपन इसमें रह सकते हैं। तो अपने सामने दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से अपने को चूज करना है। चूज करने से पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मेडिक्लेम कार्ड योजना ठीक है या आरजीएसएस योजना ठीक है। दोनों योजनाएं अपने सामने हैं तो अपने को ये निर्णय करना है कि मुझे कौन सी योजना का चुनाव करना है। तो इसका डिसाइड करने से पहले हम लोगों को दोनों योजनाओं के जो भी स्पेसिफिकेशन है यानी जो भी अच्छाइयाँ हैं और जो भी बुराइयाँ हैं, जो कमियाँ पेशी है, जो अच्छाई है वो हम लोग जान लेवें तो अच्छा रहेगा। पहले हम लोग ऐसा कार्ड यूज लेते थे मेडिक्लेम के लिए और अभी आरजीएसएस के लिए ऐसा ऑनलाइन ई कार्ड है वो जारी हो रहा है। तो हम लोग दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो कुछ लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि इसमें मैं दोनों योजनाओं की पूरी पूरी जो भी विशेषताएं हैं, जो कमियां हैं, कौन सी लेनी चाहिए उनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जितने भी बिंदु हैं, कौन सी योजना क्यों बेहतर है, हमें कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, इसको समझने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि कौन सी योजना में क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसलिए इस पे इतनी विस्तार से चर्चा करने पर ये वीडियो कुछ लंबा जरूर होगा लेकिन आप सभी के लिए ये बहुत काम आने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा अवश्य देखें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम लोग चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और इनके दिशा निर्देश जो भी जारी हो रखे हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले ये मेडिक्लेम और आरजीएसएस जो पॉलिसी है उनमें से कौन सी पॉलिसी बेहतर है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये एक लेटर जारी किया हुआ है जिसमें दोनों योजनाओं का कंपेरिजन किया गया है यानी कौन सी योजना में कैसी सुविधाएं हैं क्या है। तो आरजीएसएस योजना है वो कैशलेस है, इसमें किसी प्रकार का आप इलाज करवाएंगे आपको कोई प्रकार का पेमेंट का भुगतान नहीं करना है, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में पहले हम लोगों को इलाज के लिए पैसों का भुगतान करना होता है, उसके बाद हम लोग रिफंड के लिए क्लेम के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जबकि आरजीएसएस में कैशलेस इलाज होगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जबकि मेडिक्लेम में है वो आप इलाज करवाने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्लेम प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस स्कीम में एसएसओ आईडी से आरजीएसएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर स्वतः ही कार्ड तैयार होकर के अपने पास आ जाता है, जबकि मेडिक्लेम कार्ड के लिए आपको प्रिंटेड ऑफलाइन कार्ड है वो अपने जीपीएफ कार्यालय से प्राप्त करके अपने डीडीओ के सिग्नेचर करवा के अपने घर के जितने मेंबर उन सभी के फोटो लगवा करके अपने जो एसआईपीएफ कार्यालय है वहाँ के जो मुखिया उप निदेशक हैं उनसे सिग्नेचर करवाने होते हैं। इस स्कीम में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा तथा गंभीर बीमारी होने पर 5 लाख तक का अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होती है, यानी आरजीएसएस में कुल है वो 5 लाख रुपए सामान्य बीमारी और 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी और 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में 3 लाख तक का इलाज होगा और वो भी इंडोर इलाज होगा, यानी इसमें केवल और केवल आप 24 घंटे से ज्यादा एडमिट रह करके इलाज करवाते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या अन्य गैर अनुदानित हॉस्पिटल में तो आपको है वो इसका अनुदान दे होगा, लेकिन इंडोर एडमिट होना जरूरी है, जबकि इस योजना में आरजीएसएस में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इस स्कीम में 20,000 तक की कैशलेस ओपीडी की भी सुविधा है, आरजीएसएस में सालाना 20,000 तक ओपीडी अगर आप करवाते हैं यानी विदाउट एडमिट रहे, यदि आप छोटी मोटी बीमारी जैसे बुखार वैसा आ गया ऐसा कोई छोटी मोटी तकलीफ हो गई परिवार के किसी मेंबर के साथ तो उसका यदि आप इनके जो लिस्टेड हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाएंगे तो कैशलेस होगा, जबकि मेडिक्लेम में ऐसा ओपीडी इलाज संभव नहीं है। इस स्कीम में इंडोर आउटडोर और जांचों की कैशलेस सुविधा, चिकित्सा सभी राज्य के चिकित्सालय अनुमोदित निजी चिकित्सालय तथा निजी जांच केंद्र में प्रदान की जाएगी, जबकि मेडिक्लेम है वो सभी में रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें इंडोर रहेगा, आउटडोर की सुविधा नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की जाँच करवाते हैं वो भी इस मेडिक्लेम के तहत नहीं आती है। इस स्कीम की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रतिमाह कार्मिक को एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम का 50% प्रीमियम भुगतान करना होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट को देख करके सभी सरकारी कार्मिक पीछे खिसक रहे हैं इस आरजीएसएस योजना से, लेकिन ये पॉइंट अपन देखें तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से कि प्रीमियम क्यों लिया जा रहा है, अपन दें तो अपने को क्या नुकसान है क्या फायदे हैं, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम दे नहीं होता है, सारा प्रीमियम गवर्नमेंट के थ्रू
भुगतान किया जाता है, जबकि आरजीएसएस में 50% यानी आपकी जो बेसिक पे है उसके आधार पर किसी के 300 लगेंगे, किसी के 360 लगेंगे, किसी के 400 लगेंगे, अलग अलग अपनी पेमेंट स्लिप के अनुसार इसकी अलग अलग स्लिप निर्धारित की गई है। तो हम लोग इस पर चर्चा करें। यदि आप मान के चलें कि आपको 300 या 350 रुपये के हिसाब से सालाना है वो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये होते हैं, तो हम लोग एक अनुमान लगाएं कि आपकी अगर नौकरी है वो आज के बाद भी 30 साल की हैं, तो आप पूरी नौकरी में एवरेजन अगर मंथली 5 हज़ार या 6 हज़ार देते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है वो प्रीमियम की राशि आप गवर्नमेंट को देंगे अपनी पूरी सेवा काल के दौरान। तो इसमें अनुमान लगाइए 30 से 40 साल तक यदि आप नौकरी करते हैं इतना पैसा गवर्नमेंट में आपका जाता है। तो हम लोग ये देख पाते हैं कि अमूमन चिकित्सा व्यय पर हम लोगों के सालाना एवरेजन नहीं करते करते भी 5 से 10 हज़ार रुपये तो खर्चा हो ही जाता है, छोटी मोटी बीमारी बुखार वगैरह ऐसा में भी हम लोग अगर देखें तो ऐसा हो जाता है। और इस योजना का सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट ये देखिए, इस स्कीम में जो कार्मिक लगातार 10 वर्ष तक प्रीमियम की कटौती करवाने पर आजीवन संपूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलती रहेगी। यदि आप हैं जो, यदि आपकी उम्र अभी फिलहाल 50 साल हैं, आप NPS होल्डर हैं या GPF होल्डर हैं, आपकी 10 साल तक लगातार कटौती होती है अगर इस RGSS योजना में, तो 10 साल तक जिसकी कटौती हुई है उसको ता उम्र यानी वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जितने भी चिकित्सा व्यय होंगे सारे व्यय का उनको भुगतान नहीं करना होगा। जो भी उनके अनुदानित हॉस्पिटल है उसमें जाएंगे तो केसलेस इलाज का है वो फ़ायदा उठा पाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देखें तो अगला पॉइंट्स हमने, सबसे बड़ा पॉइंट यही हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक छोटी सी, अगर हम लोग देखें किसी भी प्राइवेट जो भी बीमा एजेंसियां हैं उनके तहत हम लोग अगर हेल्थ स्कीम का कोई इंश्योरेंस करवाएं तो लगभग लगभग 10,000 से 15,000 के बीच आपको 3 से 4 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हो पाता है, इसमें बीमा हो पाता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो पाता है। तो हम लोग देखें कि सालाना 4-4.5 हज़ार में अगर आपको 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा हो तो मेरे हिसाब से ये ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे भविष्य में हम लोग रासायनिक चीज़ों से बनी हुई ज़्यादातर खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, रासायनिक पदार्थ मिले हैं, तो अनेक बीमारियों का जन्म हो रहा है, जैसे कोरोना की तरह अगर कैसी बीमारी हम लोग देखें, धीरे धीरे कैंसर के भी प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक वगैरह अनेकों अनेक बीमारियाँ आ रही है। अगर एक बार कोई बीमार हो, भगवान ना करे अगर हो भी जाएँ, तो अगर बड़े से अच्छे से हॉस्पिटल में आप दिखाने जाओगे तो 50,000 या 1 लाख रुपए में घर आओगे। तो अगर यदि आप भगवान नहीं करे ज़िंदगी में एक बार भी बीमार हो गए आपका परिवार का कोई भी मेंबर, तो आपने जो भी प्रीमियम दिया है उसका जो भी आपका खर्चा बैठा है वो शायद मेरे हिसाब से इसमें है वो कवर हो जाएगा। तो अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे को प्रीमियम महंगा पड़ रहा है, लेकिन प्रीमियम की बजाय अपने को सुविधाएँ जो मिल रही है उस पर भी गौर करना चाहिए। हम लोग हमेशा एक तरफा देखते हैं कि यार ये प्रीमियम सरकार क्यों ले रही है, पहले फ्री कर रही थी, करना फ्री चाहिए, मैं भी कहता हूँ प्रीमियम नहीं लगना चाहिए, फिर भी यदि प्रीमियम लग रहा है और अपने को कुछ सुविधाएं मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये ले लेना चाहिए। इस स्कीम में सभी बीमारियों के साथ साथ वैश्विक महामारी कोरोना, ब्लैक फंगस ये भी सुविधा है, लेकिन इसमें भी है, मेडिक्लेम में भी है, लेकिन इसमें OPD रूटीन चेकअप और ये सपोर्टेड मशीनों का खर्चा आपको पुनर्भुगतान नहीं होता है। जिस कार्मिक ने RGSS का ऑप्शन लिया है उसको मेडिक्लेम पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं सोचें कि हम लोग दोनों योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, दोनों का नहीं। यदि आप RGSS का लेते हैं तो मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा, और मेडिक्लेम लेते हैं तो RGSS का फायदा नहीं मिलेगा। 1-1-2004 से पूर्व जो भी कार्मिक लगे हैं उनको लिए तो RGSS अनिवार्य है। RPMF जो कट रहा है उसकी जगह अब RGSS हो गया है, लेकिन 1-1-2004 वालों के पास दोनों विकल्प खुले हैं कि वो RGSS ले या मेडिक्लेम। तो हम लोगों ने दोनों का कंपेरिजन देखा। अब इनके आदेश वगैरह जो भी हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो वेबसाइट है, मुख्य वेबसाइट, उसमें जाकर के देखते हैं कि इसके क्या निर्देश हैं, क्या कैसे हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हो रखे हैं, ये मेमोरेंडम है। सबसे पहले यहाँ अपन देख लेते हैं बेनिफिशरीज एंड स्कीम कवरेजेज, इसमें क्या दे रखा है। देखिए इसमें इन्होंने RGSS के कई टाइप्स दे रखे हैं, सब कैटेगरी। कैटेगरी 1 है वो मिनिस्टर के लिए है, कैटेगरी 2 मेंबर ऑफ राजस्थान असेंबली के लिए हैं, ये अलग अलग अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यहाँ से है। देखिए
सर्विंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट पीरियड 2/1/2004 यानी जो जीपीएफ होल्डर है उनके लिए मेडिकल क्लेम फैसिलिटी एज पर आरसीएमए रूल्स 2013 के तहत उनको फायदा फिलहाल मिल रहा है। अभी है वो इनको आरजीएसएस के तहत जो भी नियम है उसके तहत फायदा मिलेगा। ये पेंशनर के लिए हैं, ये कैटेगरी 1/1/2004 के बाद वालों के लिए देखिए। फिलहाल जो योजना अपनी चल रही है वो मेडिकल क्लेम है, इसमें 3 लाख रुपए तक का आपको है वो इंडोर इलाज मिल रहा है। नई वाली में क्या होगा, आरजीएसएस में केसलेस आईपीडी होगी, डे केयर होगा, ओपीडी। आईपीडी का मतलब होता है वन टाइम, अगर एक बार आप गए थोड़ा सा इलाज किया वापस आ गए। डे केयर यानी 4-6 घंटे एडमिट रहे, 24 घंटे से कम का टाइम जो भी एडमिट होता है वो डे केयर में आता है। ओपीडी वन टाइम वाली, ओपीडी 20,000 रुपये तक की फ्री रहेगी। मेडिकल केयर फैसिलिटीज एज पर सीजीएचएस रेट्स और अदर रेट्स एज डिस्क्राइब्ड बाय कंप्लीमेंट अथॉरिटी, राजस्थान सरकार जो भी डिसाइड करेगी उसके अनुसार। ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर फैमिली एट पर्टर बेसिस, यानी सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और ये 5 लाख रुपए है क्रिटिकल इलनेस के लिए। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर जर्नीज अंडरटेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एज एप्लीकेबल टीए रूल्स, यदि आप इस आरजीएसएस में रजिस्टर्ड हैं और आप किसी भी दूर दूसरे बड़े इनके जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए इलाज के लिए जाते हैं तो आपको जो भी टीए रूल्स के तहत पेमेंट होगा वो दे होगा। और यदि आप एम्बुलेंस से जाते हैं तो एम्बुलेंस का चार्जेज भी आपको इस आरजीएसएस के तहत भुगतान किया जाएगा। इस तरह से ये पेंशनर जो भी एनपीएस होल्डर्स हैं उनके लिए भी सेम टू सेम सुविधाएं हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं पेंशनर्स वगैरह सब के लिए। ये तो हो गया इसमें क्या अंतर है वो। अब आगे अपन इनके मेमोरेंडम नोटिफिकेशन देखें तो कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें लिस्टेड हैं, तो लिस्टेड हॉस्पिटल की देखने के लिए इनकी खुद की साइट पे और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, राजस्थान गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, इस पे जा करके आप टाइम टू टाइम इसके जो भी हॉस्पिटल लिस्टेड हैं उनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ आ जाए आप साइड मैप जो दे रखा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस साइड की जो मुख्यतः नोटिफिकेशन है, जो जो हॉस्पिटल्स, यदि कभी कभार किसी हॉस्पिटल का नाम जुड़ जाता है किसी का हट जाता है तो अद्यतन सूची यानी लेटेस्ट सूची हॉस्पिटल्स की देखने के लिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो साइट मैप साइड है इस पे जा करके देखना होगा। वहाँ आप जाएंगे तो आपके सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पे सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ रही इंपॉर्टेंट लिंक्स में लिस्ट ऑफ अप्रूवल पीपीपी हॉस्पिटल्स, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने टोटल हॉस्पिटल खुल जाएंगे इस योजना के तहत। आज की डेट में 154 हॉस्पिटल लिस्टेड हैं, इसमें अदर स्टेट के भी हैं, जैसे ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर का है, ये आउट ऑफ स्टेट रेफरल हॉस्पिटल का मतलब है आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपको आगे रेफर किया जाता है, आप यदि इस हॉस्पिटल में जाते हैं। एम्स न्यू दिल्ली, मुंबई, वेलूर, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद में भी 4 हॉस्पिटल हैं, चंडीगढ़, अहमदाबाद, अहमदाबाद, इस तरह से अनेकों हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें लिस्टेड हैं। अब ये अपने राजस्थान के अंदर मल्टी स्पेशलिटी यानी जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं वो कब से कब तक लिस्टेड हैं, उनको लिस्ट करने का आदेश भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं किस आदेश के तहत ये लिस्टेड है। ये वैलिड अप टू है, ये 2025 तक रहेंगे, 23-22 ये इनका रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, आगे गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये अलग अलग आप अपने जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल, ये राजसमंद में है, जयपुर में है, ये सांचौर जालौर में है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये 15/2/2021 से एक्टिव हुआ है और 14/2/2026 तक इसकी वैलिडिटी है, तब तक इस हॉस्पिटल में ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसमें लिस्टेड हैं। ये देखिए कुल मिला के 154 हॉस्पिटल, अलग अलग ENT के, अलग न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, सब अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें लिस्टेड हैं। कुल मिला करके राजस्थान के अंदर और बाहर 154 आज की डेट में हॉस्पिटल है वो इस योजना में लिस्टेड हैं। तो हम लोगों ने देखा इसके कौन कौन से हॉस्पिटल, अब इसमें क्या रेट्स रहेगी, क्या पैकेज रहेंगे, कौन कौन सी बीमारी, कितने रुपए में, ये रुपए का भुगतान अपने को नहीं करना है, गवर्नमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी लिस्टेड हैं। ये ओपीडी कंसल्टेड ओपीडी जाएंगे तो आपसे 135 रुपए लिए नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट है वो उस हॉस्पिटल को 135 रुपए है वो अपने खाते से प्रोवाइड करेगी, अपना इसमें कुछ नहीं लगना है। इसमें लगभग 1800 बीमारियां और तरह तरह की जांच, एक्सरे, खून, MRI, CT स्कैन, कोई भी एक्यूमेंट, ट्रांसप्लांट, सारी तरह के जितने भी चिकित्सा व्यय से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी जांचें हैं, सारी की सारी इसमें लिस्टेड है। आप देख सकते हैं रिमूवल, फॉरेजन, बिल्डिंग बॉडीज, आप जितने भी बीमारी होती हैं, जितने भी जांचें हैं, CT स्कैन, MRI, सब कुछ इसमें शामिल है, एक्सरे, लेबोरेटरी, आप जो भी करवाएंगे सारा का सारा है वो
इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको एक पैसे का भी भुगतान नहीं करना होगा। जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में ऐसा नहीं है, मेडिक्लेम पॉलिसी जो है उसमें कुछ बीमारियां हैं वो कवरेबल नहीं है। जैसे इसमें देखें किडनी ट्रांसप्लांट, आप कुछ भी कैसी भी बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी बीमारी है वो सारी की सारी इसमें लिस्टेड हैं। आप किसी भी प्रकार की जाँच करवा लें, किसी भी प्रकार का इलाज करवाएं, सारा इस मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत। शर्त यह है कि सालाना 10 लाख रुपए तक का आप इलाज इसमें करवा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी या आप जो भी लिस्टेड हॉस्पिटल हैं उसमें अपना ई कार्ड दिखाएं, आपका है वो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। इस तरह से आप देखें नी ट्रांसप्लांट, अपने किसी के घुटने की ट्रांसप्लांट कराने हो वगैरह, सारी तरह की बीमारियाँ हैं इसमें। मेरे हिसाब से मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से एक बार देखा है, ऐसी कोई बीमारी या जाँच नहीं है जो इसमें पीछे छूट गई हो। सारी की सारी बीमारियाँ और सारी की सारी जाँचें हैं वो इसमें इंक्लूड है। देखिए ये MRI, CT स्कैन, सारी चीज़ें, ये MRI, प्रत्येक किस किस चीज़ की MRI करेंगे तो उस हॉस्पिटल को कितना रुपया गवर्नमेंट की तरफ से भुगतान किया जाएगा, इसमें सारा कुछ बताया गया। 1853 यानी 1850 के लगभग इसमें बीमारियां हैं वो, और बीमारी और जांचें हैं वो सम्मिलित हैं। आप आई लेज़र कुछ भी जो भी बीमारी का इलाज करवाएंगे वो इसमें सम्मिलित रहेगा। ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की मेमोरेंडम। अब ये इम्प्लांट पैकेज है, ये देखिए ट्राइबल पेटिला, ये हिप इम्प्लांटेशन। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि इसमें क्या क्या कैसे होगा। अब देखिए आगे बहुत सारे इन्होंने लेटर आदेश आज तक जो भी डायरेक्शन दे रखे हैं आप हेल्थ डेस्क या इनकी जो भी गाइडेंस जारी कर रखी है उन सबको इसमें देख सकते हैं। तो इसमें सबसे मोटा मामला ये है कि हम लोगों को कौन सी योजना लेनी चाहिए, RGHS या मेडिक्लेम। तो आप इसमें यहाँ पे भी इनके जो FAQs हैं आप इसको भी दोनों को पढ़ सकते हैं, ये मेडिक्लेम के हैं और ये RGHS के हैं। तो इन दोनों का लिंक, ये दोनों PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ये देखने में पढ़ने में सुविधा हो। ये जो भी मेरे पास PDFs उपलब्ध हैं इससे दोनों से रिलेटेड, आप दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेवें, देख लेवें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। किसी के बहकावे में या फिर सिर्फ 330 रुपये का भुगतान करना है यार सरकार ले रही है इसके चक्कर में ना पड़ के आप खुद डिसाइड करें, दोनों को अच्छी तरह से देख लें कौन सी योजना आपके लिए ठीक जो सूटेबल बैठे आपको वो लें। किसी के कहने या मेरे कहने से या किसी साथी के कहने से अपने को डिसाइड नहीं करना है, हम भी अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं तो दोनों योजनाओं को बारीकी से जान लें कि दोनों योजनाओं में क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या कमियाँ हैं। ये दोनों अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद ही आप डिसाइड करें कि मुझे RGHS लेना है या राज मेडिक्लेम। जहाँ तक मेरी समझ बन पाई है इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप RGHS ही लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर अपना कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जाकर के यदि भगवान नहीं करे अपने को अगर ज़रूरत नहीं पड़े और किसी 4,000 से अपने किसी साथी का इलाज हो रहा है तो वो अपने को इतना हाई लेवल से लेने की टेंशन नहीं है। अगर यदि अपने को भगवान नहीं करे ज़रूरत पड़ गई तो 4,000 रुपये में कोई इलाज होना नहीं है, तो छोटी सी रकम दे करके हम लोग, ये जैसी क्रिटिकल बीमारीज़ हैं, ये ऐसी 24 तरह की कई तरह की बीमारियां हैं जो आप अपने नज़दीकी बिना लिस्टेड हॉस्पिटल में भी यदि आप स्वाइन फ्लू फीवर लंग्स हार्ट लीवर बोन्स मैरो एक्सीडेंट डिलीवरी ऐसी अगर किसी भी हॉस्पिटल में बिना लिस्टेड हॉस्पिटल में भी आप इलाज करवाते हैं तो आपको RGHS के तहत भी इसका पुनर्भरण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि RGHS में केवल और केवल कैशलेस ही है, इसमें कैशलेस और पुनर्भरण दोनों तरह की सुविधाएं हैं। पुनर्भरण केवल और केवल इमरजेंसियल जो भी इलाज है उनके तहत होगा, बाकी नहीं होगा। तो आप अच्छी तरह से इन दोनों के जो दिशा निर्देश हैं, दोनों के जो FAQs हैं वो अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे कौन सी योजना लेनी चाहिए। तो आप सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नए वीडियोज़ हम बना करके प्रस्तुत करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन